मेरा नाम पवन कुमार शुक्ल है। मैं बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक हूँ। हिंदी मेरा साहित्य है, अध्ययन अध्यापन ही मेरा मुख्य पेशा रहा और है भी। ये मानसिक संरचना को, अब चूंकि आप चिकित्सक भी यहाँ बैठे हुए हैं, आप जानते हैं क्या है, क्यों है, इन तारों का क्या उलझाव है, समझ में नहीं आता। बस यूं ही हरी भरी ज़िंदगी जो आज रंगीन है, सब कुछ दिखाई दे रहा, मुझे बिल्कुल गहरी उदासी में ढकेल दिया। और लोग मुझे ये बताते रहे, अरे यार तुम्हें समस्या क्या है, इतनी अच्छी सैलरी है, भाई है, बाप है, खेती है, बारी है, किस बात की चिंता। मैं सोचता रहता था मुझे किस बात की चिंता, लेकिन बिल्कुल ना खाने में रुचि, ना पहनने का शौक, ना मेरा अध्ययन में, न जान, मतलब कहीं जाना भी नहीं। यूँ ऐसे डरे रहते थे, पूरी अंदर से दुर्भीत बन गई थी, बिल्कुल नहीं। तो मैं अपना पिछला अनुभव, चूँकि मैं 2 बार अवसाद में जा चुका हूँ, मैं पिछला अनुभव साझा कर रहा हूँ। 2007 के आसपास का ये दौर है, मुझे अवसाद, गहरा अवसाद घिरा। तो ये साथी लोग हमारे साथ के ही हैं। बस चूँकि आदमी एक ऐसा, एक जब आप मानसिक बीमार होते हैं, मानसिक रूप से आपकी समस्या शुरू होती है, तो लगता है बस ये तो गया, ये तो गया साइकेट्रिक, मतलब ये तो गया पागल, ख़त्म, इसकी कहानी फिनिश है यार, ये तो पागल हो गया। तो आदमी खुल के कह भी नहीं सकता था। तो पत्नी थी, उनसे बात किया, फिर ये मित्र थे, उनसे बात हुई, फिर धीरे धीरे मुझे एक साइकेट्रिक के पास ले गए। उन्होंने, मुझे याद भी है, ओलेंजा पाइन, एक साल्ट है डॉक्टर, हाँ आप लोग जान रहे हैं, ओलेंजा पाइन 10 mg उन्होंने दिया और खाई। 24 घंटा मुझे होश नहीं आया, 24 आवर, न खाने की ज़रूरत, न सोन, मतलब सोए ही रहे। ओलेंजा पाइन 10 mg, ओलेंजा 10 उन्होंने दिया। अब ये कहिए कि चूँकि पढ़ा लिखा हूँ तो साल्टों को समझता हूँ कि क्या ये दे रहे हैं। तो मैंने देखा, फिर मुझे कहा नहीं यार तो बहुत गड़बड़ है, मैंने दवा बंद कर दी। लेकिन मेरी अंदर की स्थिति सही नहीं हो रही थी, मुझे समस्या बनी रह रही थी, वही उदासी, वही समस्या। और उन दिनों होता क्या था कि जैसे आप हैं मेरे साथ, लेकिन मुझे लगता है आप नहीं हैं, और अगर आप हैं भी तो आप कहते थे अरे यार इसे छोड़ो, ये क्या है, कुछ नहीं है, बस आप बस घुट रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, क्या टेंशन है आपको। लेकिन ये सब बातें समझ में नहीं आती थी, ये मानसिक अवस्था है, ये वो चीज़ें हैं जो, मैं नहीं कहूँगा लोग अवसाद में जाएँ, लेकिन ये अध्ययन बता रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग अवसाद में हैं। और सामान्य दिनचर्या उनकी चल भी रही है तो भी वो डिप्रेस्ड हैं। एक सामान्य शब्द हो गया यार बहुत डिप्रेस्ड हूँ, बहुत निराश हूँ, लेकिन वास्तव में जिसे अवसाद ने जकड़ लिया वो मैं भुक्त होगी हूँ। और मैं समझता हूँ अगर कहीं भी मेरे साथ अवसाद का रोगी मिलेगा तो मैं इसे ये नहीं कहूँगा कि नहीं यार ये कुछ होता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये क्या होता है और कैसे उभरेगा वो। तो फिर मेरी चिकित्सा हुई डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। मुझे उस समय सर दर्द भी होता था बहुत ज़्यादा, अवसाद की एक सिम्टम ये भी है, भूख ना लगना, सर दर्द होना, और कहीं कोई रुचि ना होना, सब कुछ छूट जाना, लोगों से कट जाना, एकांत में बैठ जाना, ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई, ये मेरा भोग यथार्थ है। फिर मैं उनके पास गया तो उस समय उन्होंने बताया मुझे, मेरी सीटी स्कैन करवाई, कहीं कुछ नहीं, ब्रीथिंग इज नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं। दवा क्या थी मुझे याद नहीं, वो मैं भूल गया, 0.5 mg की कुछ दवा उन्होंने दी। और फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया आप आस्था पकड़ लो। मैंने कहा आप, कोई दवा है नहीं इसकी, मेडिकल साइंस में मेरे पास कुछ दवा है नहीं, आप आस्था चैनल पकड़ लो, बाबा रामदेव आते हैं, उनको करना शुरू करो और सुबह मॉर्निंग वॉक शुरू करो। तो फिर मैं उसी पूरे ट्रैक पे आ गया, पूरी ज़िंदगी धीरे धीरे मैंने आस्था को देखा, रामदेव को सीखा और करने लगा, मैं अवसाद से मुक्त हो गया। करीब 6 महीने दवा चली, फिर उन्होंने कहा डॉक्टर साहब कैसी, उन्होंने पूछा कैसी आपकी तबीयत है, कैसे हाल है। मैंने कहा बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, सब कुछ बढ़िया है। उन्होंने दवा मेरी बंद कर दी और मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास था। फिर 2018 में बहन की शादी थी, शादी फिनिश हुई, मेरा एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट के बाद मैं, डॉक्टर ने कह दिया कि आप बीपी के पेशेंट हैं, उस समय मेरी बीपी बहुत ज़्यादा थी। मैं पहुँचा डॉक्टर के पास, वो डीएम कार्डियो थे, देखा अरे आप जिंदा कैसे हैं, आपको तो मर जाना चाहिए। अब इतना झटका लगा मुझे, अरे यार बताओ, अभी तो मेरे पास एक बहन है, भाई, तमाम लाइबिलिटी, मेरे अपने बच्चे बेटियाँ, यार ये ऐसे बोल रहे। फिर धीरे धीरे चला गया और उसके बाद बीपी की दवा, बीपी मेरी 150 90 110 ऐसी चल रही थी, सिस्टोलिक डायस्टोलिक चल रही थी, बिल्कुल दवा मुझे डल दिया टेलमा 40। अब लो खाओ, 2-3 दवा डाल, मुँह सूखने लगा, हालत एकदम परेशान। धीरे धीरे फिर अवसाद, उन्होंने कहा नहीं आप थोड़ा सा साइकेट्रिक से कंसल्ट कीजिए। तो फिर मुझे लोग लखनऊ डॉक्टर हरजीत सिंह के पास ले गए, उन्होंने एसिटालोपाम 10 mg और क्लोनाजीपाम 5 mg शुरू किया, फारसीटो प्लस। उन्होंने कहा ये दवा आपकी चलेगी और दवा 3-4 साल चलेगी। ये घटना है 18 की, 18 लास्ट की। तो
दवा से थोड़ा मुझे रिलीफ हुआ, लेकिन मुझे पिछली मेमोरी मेरी काम कर रही थी, नहीं मुझे जब भी उबरना है तो ये योग और यही उबारेगा मुझे, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी। फिर फेसबुक पे ही मेरे कुछ ऐसे शुभचिंतक आप जैसे लोग मिल गए, तो जबलपुर की दीदी हैं उनसे मैं मिला नहीं, अभी निरुपमा दीदी हैं तो, और संजय सिन्हा जी हैं आज तक तेज चैनल के, उनसे भी मेरी बातचीत होती है, मैं मुलाकात नहीं हुई, तो वो उन्होंने सजेस्ट किया कि नहीं आप इस लाइन में आओ। तो फिर निरुपमा दीदी बहुत डीपली मुझे बताया आपके बारे में कि आप गुरु जी से बात करो। फिर एक उसी फेसबुक पे ही मिले पंकज शुक्ला जी, इलाहाबाद के रहने वाले हैं, उन्होंने मुझे गुरु जी का नंबर दिया, फिर मैंने गुरु जी से बात की, तो बहुत धैर्य से आपने मुझे सुना कि अच्छा ठीक है ठीक है, आप क्या खाते हैं, तो आपने वो दवा सब बंद करवा दी, आप वो दवा फेंक दो। आपने होम्योपैथी में एक दवा बताई, क्योंकि वो भी दवा बंद हो गई है, मुझे भूल रहा है, एक दवा होम्योपैथी की लिक्विड आपने बताया, वो दवा मैंने लेनी शुरू की धीरे धीरे। फिर उसके बाद कुछ योग पे आए, कुछ और चीज़ें करनी चाहिए, मतलब धीरे 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 मेरा इम्प्रूवमेंट, मतलब ये समझिए कि पिछले सितंबर से अब तक गुरु जी बोलते थे एक बार आप चले आओ मेरे पास, तो गुरु जी आ ही नहीं सकता, मैं तो ड्यूटी जाने परेशानी मुझे होती, 5 किलोमीटर पर निकलता नहीं, बड़े आराम से मोटरसाइकिल निकलता हूँ, किसी तरफ जाता हुआ चला आता हूँ, किसी से मिलते ही नहीं, बोल नहीं आप किसी तरह मेरे पास चले आओ, लेकिन मैं आ नहीं पाया। फिर आपने ऑनलाइन कक्षाएँ शुरू की, मैंने उसको ज्वाइन किया, धीरे धीरे फिर मेरा वो रिद्म लौटा और मैं अब आपके सामने हूँ बिल्कुल अवसाद मुक्त, बिल्कुल अच्छी तरह, अच्छा भोजन का भी टेस्ट है, सब कुछ खा रहा हूँ पी रहा हूँ, और तभी से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और बस यूं ही आपके ये पोस्ट पड़े रहते थे कि भाई अब कैंप लगने वाला, अब कैंप लगाना, तो ये भाई अपने बहुत ही बचपन के मित्र हैं और इनका भी बड़ी रुचि है योग में, भले ही भोजन भट्ट हैं लेकिन ये है कि सब में जुड़े रहते हैं। तो बस इन्होंने एक ऐसे कमेंट किया कि ये हो कहाँ रहा है, मैंने कहा बिल्कुल आपका जहाँ नाम है वहीं हो रहा, तो कहे बस चला जाए, चूँकि मैं वहाँ से अकेला था, फिर इधर कोरोना काल आ गया तो अकेले आने में भी ट्रेनें वगैरह नहीं चल रही थी, तो मतलब हिम्मत तो लौट आई थी 6 महीने पहले गुरु से बात होती थी, आप तो बड़े खिल गए बहुत अच्छे हो गए, तो लेकिन आइए आए एक बार। तो फिर ऐसे ही प्रणाम बना, आप हमारे साथी हैं वो मिले, फिर 3 लोगों ने गाड़ी की, फिर आप आज आपके सामने हैं, बस यही। आपने बीच में योग छोड़ दिया था क्या? हाँ बीच में छोड़ दिया था।